भंग करने में असफल रही। लगता है मुझे भी कुछ करना होगा। क्यों ना मैं यहाँ पे सुंदर से वसंत ऋतु का निर्माण करता हूँ। त्राईमाम प्रभु त्राईमाम कहे त्रिजाय मुनि रंगतली कहे सुखिया समझ गया कामदेव। मैं हमारा ध्यान खंडन करने के लिए किसने भेजा था तुमको? त्राईमाम योगिराज क्षमा किया इसके लिए तो तुम खड़े हो। मेरे बताओ तुमको भेजा किसने था? मुझे यहाँ पर देवलोक से महाराज इंद्र ने भेजा था। वाह, ये तुम्हारा जो राजा देवराज इंद्र है ना, ये मति मंद है। ये राजा तो है लेकिन राजाओं के गुण इसमें निवास नहीं करते हैं। राजा का मतलब होता है सम न्याय। साधु संत यदि ईश्वर की भक्ति करते हैं तो भक्ति में ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मैं तो नारद हूं, नारद। नारद को किसी राजपाट की जरूरत क्या है? मैं समझ गया, मेरे भक्ति के कारण उसका देवलोक कंपायमान होने लगा। इंद्र ने सोचा, इंद्र पद पाने के लिए देवऋषि नारद ने तप किया है। बात यही है ना? बिल्कुल महाराज, यही नारायण नारायण नारायण। ये देव राजेंद्र की बुद्धि कैसे है कामदेव जानते हो? कैसी है महाराज? कुत्ते की तरह। स्वान हार लय भाग सच देख निरख मृगराज। मृगराज मतलब सिंह, स्वान माने कुत्ता। सूखी हड्डी को लेके रास्ते से चला जा रहा हो, उसे मार्ग में शेर दिखाई दे जाए, सिंह, तो स्वान ये सोचता है कि ये जो शेर खड़ा है, सिंह खड़ा है, तो कहीं हमारे सूखी हड्डियों को मेरा जो आहार है उसे छीन ना ले। लेकिन उस मूर्ख श्वान कुत्ते को ये नहीं मालूम, शेर जो है नित्य नया शिकार करता है, इसके बाद उस शिकार का भक्षण करता है। तो तुम्हारे देवराज इंद्र की गति वही हो गई है कामदेव। आज तो हमने तुमको क्षमा कर दिया, क्रोध आता तो जिस तरह से भगवान शंकर ने शंकर की भक्ति को तुम खंडित करने के लिए गए थे, भगवान शंकर ने तुमको क्षमा नहीं किया। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल करके और तुमको जला करके भस्म कर दिया। मैं चाहता तो तुमको जला सकता था लेकिन मैं नारद हूं नारद, और ऐसे ईश्वर का मैं शिष्य हूं, ऐसे नारायण लक्ष्मीपति विष्णु भगवान का मैं भक्त हूं। यदि मुझे राजपाट की लालसा हो तो नारायण से कहके एक देवलोक क्या, नारायण चाहे तो नारद को करोड़ों देवलोक का निर्माण कर सकते हैं, वहां का मुझे राजा बना सकते हैं, लेकिन नहीं। देखिए ये देखो गया, इतने बड़े योगी हैं नारद जी। नारायण के मन है और गुप्त दान में एक सेवा हुई है। वृक्ष जो फल देने वाला पौधा होता है ना, फल तो देता है, संसार के लोग उस फल को खाते हैं, लेकिन वो पौधा वो वृक्ष स्वयं फल को नहीं खाता। वृक्ष न कबहू फल भखे, वृक्ष न कबहू फल भखे, नदी नाचवे नीर पर कारज के कारणे
संतन धरो शरीर, नदी में बहने वाला पानी संसार के लोग पानी पीते हैं, वो नदी स्वयं नहीं पीती है। और संसार में जो संतों का जन्म होता है पराये परोपकार के लिए होता है, न कि उनका निजी कोई स्वार्थ होता है। जाओ कामदेव, हमने तुम्हें क्षमा किया, आप कृपावान है देव ऋषि। हरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि बोलो। हरि ओम जय जय नारायण नारायण हरि।